हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 11 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, हाउ इज़ अ वैन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टू अ लैंड। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है वैन के बारे में, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो हम लोग को इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, नाम से ही पता चल जाए, वाइड वाइड मतलब, वाइड मतलब ज़्यादा, अधिकतर, पूरा, है ना, ज़्यादा। ठीक है, तो वाइड, तो इसमें क्या होता है, जियोग्राफिकल कवरेज। ठीक है, तो वैन्स स्पैन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस कनेक्टिंग लैंड्स टू एंड अदर नेटवर्क ओवर सिटीज कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क मतलब कि जो नेटवर्क होता है ना, कई तरह के होते हैं, जैसे वाइड हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। तो नेटवर्क का जो लेंथ होता है, मतलब साइज जो होता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी होती है, वो कितना दूर तक फैला है, उसके बारे में बता रहा है। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ना, ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक फैला रहता है। ठीक है, जैसे कि सिटी हो जाता है, यानी कि मतलब कोई सिटीज़ के बीच में वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर कंट्री के बीच में भी हो सकता है, या फिर कॉन्टिनेंट के बीच में भी वाइड एरिया नेटवर्क का ही यूज़ होता है। ठीक है, और इसी वाइड एरिया के नेटवर्क के अंदर लैन, यानी कि लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से ही पता चल रहा है, लोकल यानी कि किसी लोकल जगह के लिए जो नेटवर्क होता है वो होता है। तो इसी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वही लिखे, वैन स्पैन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि लार्ज डिस्टेंस के लिए होता है। फिर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें, तो यूटिलाइज पब्लिक टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज लीस्ट लाइंस, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, सैटेलाइट लिंक्स एंड माइक्रोवेव लिंक्स टू इस्टेब्लिश कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, लीस्ट लाइंस। ठीक है, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल्स, केबल्स के जरिए ये वाइड एरिया नेटवर्क पूरा कनेक्टेड रहता है। ठीक है, फिर या फिर हो गया सैटेलाइट, सैटेलाइट के जरिए भी होता है, है ना, या फिर माइक्रोवेव लिंक्स। ठीक है, तो इस तरह के इससे ये पूरा वाइड एरिया नेटवर्क बना होता है, केबल से कनेक्टेड रहता है, फिर सैटेलाइट वगैरह सभी कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह से वाइड एरिया नेटवर्क काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बैंडविथ, तो इसका क्या है, प्रोवाइड्स सफिशियंट बैंडविथ टू एकोमोडेट द ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ऑल्दोर एक्चुअल बैंडविथ में वेरी बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड। ठीक है, तो बैंडविथ यानी कि इसका जो क्षमता जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि सफिशियंट बैंडविथ होता है टू ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि इसका जो बैंडविड्थ होता है वो काफ़ी अच्छा खासा होता है, जिससे आप बहुत सारा डेटा को ना एक जगह से दूसरी जगह, काफ़ी दूर जगह पे आराम से भेज सकते हो। ठीक है, तो और ये बैंडविड्थ भी क्या होता है कि आपके टेक्नोलॉजी के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए आप कोई पुराना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो उसका बैंडविड्थ यानी कि उसकी क्षमता कम होगी, आप कोई लेटेस्ट वाला कर रहे हो तो उसकी ज़्यादा होगी, है ना। तो उस तरह से होता है बैंडविड्थ के बारे में। ठीक है, उसका देखिए कॉस्ट, तो वाइड एरिया नेटवर्क का कॉस्ट, सेटिंग एप एंड मेंटेनिंग वैन्स कैन बी एक्सपेंसिव ड्यू टू नीड फॉर स्पेशलाइज इक्विपमेंट, लीज लाइन्स एंड सब्सक्रिप्शन फीस फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो इसका कॉस्ट, वाइड एरिया नेटवर्क है तो आपको पता है ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है, तो इसका इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा करके रखना होगा, है ना, जैसे कि और इसके लिए इक्विपमेंट भी चाहिए होगा, है ना, जैसे कि ज़्यादा दूर तक कनेक्टेड है उसमें जो पैसे लगते हैं वो सब, कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कॉस्ट। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी, तो रिक्वायर्स रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स सच एज इंक्रिप्शन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN एंड फायरवॉल्स टू प्रोटेक्ट डेटा प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी वाइल ट्रैवर्सिंग पब्लिक नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसमें सिक्योरिटी क्या होता है ना, कई तरह के सिक्योरिटी दिए जाते हैं, जैसे इंक्रिप्शन यानी कि आपका डेटा कोई और नहीं पढ़ सकता है, है ना, फिर वैन दिया जाता है यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स दिया जाता है, वाइड तो काफ़ी रहता है तो उसमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी होता है, फायरवॉल्स वगैरह भी होता है, जिससे आप किसी तरह के वॉर्म से बच सकते हैं, है ना, किसी हैकिंग वगैरह से उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का वाइड एरिया नेटवर्क के पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि वो कितना दूर में फैला रहता है, उसका वो कैसे बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो क्षमता होता है वो कितना रहता है, उसमें कॉस्ट कैसा लगता है, उसका सिक्योरिटी कैसा होता है। तो ये पूरा हो गया हम लोग का वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। अब देखिए आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी बना के लिखिए, पॉइंट में लिखिए, पूरा पैराग्राफ लिखिए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि वैन कैसे डिफरेंट होता है लैन से, तो चलिए हम लोग लैन के बारे में बोल देते हैं। तो कंपैरिजन विथ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, यानी कि लैंस,
तो इसका जो होता है जियोग्राफिकल कवरेज, तो लैंड का आपको पता ही है कम होगा वैन के मुकाबले। तो देखिए, लैंड्स आर लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन सच एज बिल्डिंग और कैंपस, वाइल वैन्स कनेक्ट जियोग्राफिकल डिस्पेरस लोकेशंस, है ना। यानी कि लैंड्स जो होता है वो छोटे लिमिटेड एरिया के लिए होता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गया या फिर कोई कैंपस हो गया, उसमें हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वैन तो आपको पता ही है, ये तो पूरा कंट्री वाइज होता है, यानी कि पूरा सिटी में भी यूज हो सकता है। तो वो हो गया एक डिफरेंस। उसके बाद होता है ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। तो लेन्स आर टिपिकली प्राइवेटली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर्स वैन्स मे इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो ओनरशिप का वगैरह में देखा जाए तो लैंड तो आपको पता है छोटा जगह पे है किसी बिल्डिंग में, तो वहाँ पे कोई एक उसका मालिक हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ना, या वो पूरा मतलब मान लीजिए आप किसी कैंपस में है, ठीक है। तो कैंपस में है तो वहाँ का जो कैंपस का भी जो भी रहेगा ट्रस्टी वगैरह, उसके अंदर आता होगा लैंड्स, है ना, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन्स का क्या होता है, वैन्स का भाई एक नहीं होता है, उसमें तो कई सरकारें भी मिल सकती है ना, अलग अलग जगह के लोग भी हो सकते हैं, सिटीज़ का भी। तो उसके लिए काफ़ी जगह मतलब काफ़ी लोगों का होता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड सर्विस प्रोवाइडर, और एक सर्विस प्रोवाइडर शायद वाइड एरिया नेटवर्क को दे भी ना पाए, है ना। तो उसके लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर का भी होता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत दो कंट्री के बीच में है, तो मान लीजिए एक्स से वाई जेड, ये पूरा तीन कंट्री को नेटवर्क पहुँचाने के लिए होता है। तो मान लीजिए एक्स से वाई तक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन लेके जाएगा नेटवर्क को, और वाई से जेड कोई और लेके जाएगा। तो इसके लिए हम लोग का ओनरशिप इसमें बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वैन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रांसमिशन मीडिया, तो लैंस कॉमनली यूज वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन विद इन अ कन्फाइंड एरिया, वेयर्स वैन्स रेली ऑन डाइवर्स ट्रांसमिशन मीडिया फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया यानी कि इसमें ट्रांसमिशन करने के लिए ना लैंस को वायर्ड भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है, क्योंकि कम छोटा जगह के लिए यूज़ करना है तो वो वायरलेस में भी आराम से नेटवर्क को पहुंचा सकता है। लेकिन वैन्स के लिए आपको चाहिए एकदम ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए होगा, जैसे कि केबल वगैरह से कनेक्ट करोगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से डेटा पहुँचे, है ना। सैटेलाइट से भी हो सकता है, यानी कि सैटेलाइट के लिए भी आपको सैटेलाइट का तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। तो लैंस में एकदम छोटा होता है, एकदम वायरलेस भी हो सकता है, कम वायर, एक बिल्डिंग में वायर कितना ही लगेगा, वाईफाई की तरह है समझे, घर में यूज़ हो सकता है, वैसा वाला बात है। तो वो हो गया ट्रांसमिशन मीडिया। उसके देखिए स्पीड एंड बैंडविड्थ, तो लैंस ऑफर हायर स्पीड एंड बैंडविड्थ कंपेयर टू वैन ड्यू टू लोकलाइज कम्युनिकेशन एंड शॉर्टर डिस्टेंस। तो लैंस का जो स्पीड होता है ना वो ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होगा, समझ रहे हैं ना आप। तो लैंस क्या, एकदम छोटा सा एक बिल्डिंग में आपको नेटवर्क पहुँचाना है तो वो तो एकदम स्पीड काम करेगा, है ना, उसकी क्षमता भी काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन वही वैन्स का क्या होगा, वैन्स को तो एकदम हाई पूरा लार्ज नेटवर्क को संभालना है, पूरा शहर को या पूरा देश को संभालना है, तो उसका जो स्पीड है वो लैंस के मुकाबले कम होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट देखा जाए तो लैंस आर जनरली मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू सेटअप एंड मेंटेन देन वैन्स विच इनकर हायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट भी लैन का कम ही होगा, कम छोटा जगह के लिए यूज़ होता है तो उसका कॉस्ट भी कम ही लगता है एज़ कम्पेयर टू वैन्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी, तो लैंड्स आर कंसिडर्ड मोर सिक्योर देन वैन ड्यू टू द लोकलाइज नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, वेयर्स वैन रिक्वायर एक्सटेंसिव सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट डेटा ट्रांसमिटेड ओवर पब्लिक नेटवर्क्स, ठीक है। तो सिक्योरिटी के मामले में भी लैंड्स बेहतर होता है, क्यों, क्योंकि भाई वो लोकल एरिया में है, कम जगह पे यूज़ हो रहा है, तो उसका सिक्योरिटी को आप आराम से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोड नहीं है। वही आपको वैन पे करना है तो वो तो एकदम वाइड एरिया में फैला हुआ है, तो उस पर सिक्योरिटी अटैक शायद जल्द आसानी से हो सकता है एज़ कम्पेयर टू लैंस, ठीक है। तो ये था हम लोगों का लैन और वैन में एकदम अच्छे से डिफरेंस, मैंने एकदम सब कुछ बता दिया है। आप इसको अपनी तरह से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको ये पॉइंट देके लिखना होगा जियोग्राफिकल कवरेज उसके बाद लिखिएगा, आप डायरेक्ट यही लिख सकते हैं कि वैन स्पैन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पर आप आराम से लिख सकते हो कि ये कैसे टेली कम्युनिकेशन का यूज़ करता है, सर्विसेज का यूज़ करता है, केबल वगैरह लगता है, सैटेलाइट का यूज़ करता है, इस तरह से आप आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 का बी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द नीड ऑफ TCIP मॉडल, ठीक है, मतलब TCP/IP, ठीक है। व्हाट इज़ अ URL, हाउ इज़ URL डिफरेंट टू एन IP एड्रेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए इसमें कितना चीज़ पूछ लिया है, पहले तो पूछ लिया है TCIP क्या होता है, फिर URL क्या होता है, फिर IP एड्रेस से डिफरेंस क्या होता है, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। देखिए पहला पूछा नीड ऑफ TCP/IP मॉडल, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो
तो TCP/IP इज अ विटल फॉर फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इन अ स्टैंडर्डाइज मैनर। ठीक है, तो ये TCP/IP मॉडल नेटवर्क में यूज़ होता है क्या करने के लिए, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि अलग अलग नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करने के लिए TCP/IP मॉडल का यूज़ किया जाता है। मैंने इस पे क्वेश्चन बताया है, आप प्रीवियस जब इसका वीडियो देखने जाओगे ना, मैंने बता के रखा है ना, BCS 11 का मैं प्रीवियस भी सॉल्व करवा चुका हूँ, जैसे December 23 से पहले हो गया, June 23 का, December 22 का, उन सबका भी करवा दिया हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें क्वेश्चन है TCP/IP मॉडल के बारे में, तो इसका क्या यूज़ होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं ना, वो सब मैं पूरा बताया हूँ, क्या क्या लेयर होता है। तो ये सिंपल होता है, क्या करना, कम्युनिकेशन करना ओवर द इंटरनेट, है ना, मतलब दो नेटवर्क के बीच में या दो से ज़्यादा नेटवर्क के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको होता है TCP/IP मॉडल के जरिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मैनर फॉर्म में रखता है। इट इंश्योर्स रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन बाय डिवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पैकेट्स, रूटिंग देम अक्रॉस नेटवर्क एंड गारंटिंग देयर एक्यूरेट डिलीवरी टू द इंटेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो देखिए TCP/IP मॉडल का एक खासियत होता है ना कि आप इसमें मान लीजिए कोई डेटा भेज रहे हो ना TCP/IP मॉडल के जरिए, तो इसमें आप ये TCP/IP आपको इंश्योर करके देता है कि आप जो डेटा भेजे हो वो आप जहाँ भेजना चाहते हो वहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो ये होता है TCP/IP का। एक और भी होता है, उसमें ये चीज़ गारंटी नहीं होता है। ठीक है, तो TCP/IP का यही होता है कि इसमें आप जो डेटा देना चाह रहे हो वो पहुँचा देगा उसके डेस्टिनेशन पे। और इसमें क्या कहता है, रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन बाय डिवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पैकेट्स, यानी कि आप जो भी इसमें डेटा भेजना चाह रहे हो उसको वो अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में बना के भेजता है, और फिर उससे आसानी से रिलायबल फॉर्म में जल्दी से डेटा ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए TCP/IP ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स क्रूशियल फंक्शनैलिटी लाइक एड्रेसिंग, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, विच आर फंडामेंटल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ डेटा ट्रांसफर अक्रॉस नेटवर्क। तो देखिए TCP/IP मॉडल का एक और खासियत है कि ये ना आपको जो फंक्शनस होते हैं, जैसे कि कोई एरर आ गया या फिर आपका एड्रेसिंग यानी कि आपको किसी तरह का इसमें एरर आ चुका है या फिर कुछ करेक्शन करना है, या फिर आप कोई भेजे हो वो सही जगह पे एड्रेस पे नहीं पहुँच पाया, तो वो वापस आ जाएगा, आप उसको सही करके वापस भेज सकते हो। तो ये सब आपको TCP/IP मॉडल में होता है। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, एड्रेसिंग कर सकते हो, एरर डिटेक्शन यानी कि एरर मान लीजिए किसी तरह का आ जाएगा तो ये बता देगा कि भाई ये एरर हो चुका है, फिर वो आपको करेक्शन करने का भी मौका देगा और फिर वो वापस भेज देगा। ठीक है, इससे क्या रहता है ना कि आप जो चीज़ भेजना चाहते हो डेटा वो इफ़िशेंट वे में जाता है, है ना। ये नहीं होता कि डेटा लॉस्ट हो जाता है कि भाई एरर हो गया वो डेटा गायब, ऐसा नहीं होता TCP/IP में। ठीक है, वो आपको एरर बता देगा, भाई एरर आ गया है, करेक्शन करने का भी मौका देगा, करेक्शन करो, वो वापस से भेजेंगे, ये वाली बात होती है TCP में। ठीक है, गारंटी देता है। तो आप ये अब मान लीजिए किसी बीच में कोई एरर आ गया तो ये भाई सही करके देगा ना, वही वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गया TCP/IP के बारे में। उसके बाद देखिए URL के बारे में भी पूछा है, तो चलिए इसको भी लिखते हैं। URL ये क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें क्या होता है, अ URL सर्व्स एज अ ह्यूमन रीडेबल एड्रेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेसिंग रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। तो URL क्या होता है, ये आप लोग डेली लाइफ में भी सुने होंगे, ये होता है ह्यूमन रीडेबल यानी कि हम लोग जो रीड कर सकते हैं वैसा एड्रेस जो क्या होता है हम लोगों को आइडेंटिफाई करता है और एक्सेस करता है रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट तो बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें URL होता है जो हम लोग आराम से पढ़ के, मतलब वो एक URL होता है उसका एक एड्रेस होता है, तो हम लोग डायरेक्ट उस एड्रेस पे पहुंच सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ के डेटा को, तो वो होता है URL। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ सर्वर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल यानी कि वही HTTP HTTPS। आप जब YouTube पे खोलते हो, कोई भी आप लिंक खोलते हो तो वहाँ पे देखते हो ना लिखा रहता है HTTP /// ऐसे करके कोलन, तो वो हो गया जैसे कि उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। डोमेन नेम और IP एड्रेस यानी कि उसका डोमेन नेम भी होता है, IP एड्रेस भी होता है, जैसे YouTube.com तो उसमें लिखा रहता है https://YouTube.com। ठीक है, उसका URL, फिर IP एड्रेस भी होता है, एड्रेस नाम होता है 126.42 ऐसा करके कुछ भी, है ना। ऑफ द सर्वर होस्टिंग द रिसोर्स, पोर्ट नंबर भी होता है, पाथ ऑफ द रिसोर्स भी होता है, और एडिशनल पैरामीटर इफ़ नीडेड। तो URL में ये सब आता है, जैसे कि हो गया पहले प्रोटोकॉल आ गया, फिर उसका डोमेन नेम भी आ जाता है, फिर उसका IP एड्रेस भी आ जा सकता है, फिर उसका पोर्ट नंबर भी आ जाता है, फिर उसका पाथ भी आ जाता है कि यानी कि कैसे जाएगा, तो और इस तरह से कई और चीज़ें भी आ जाती है इसका अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो उसको कहते हैं URL। उसके बाद देखिए URLs आर वाइडली यूज फॉर नेविगेटिंग वेब पेजेस, एक्सेसिंग फाइल, इंटरेक्टिंग विद ऑनलाइन सर्विसेज एंड लिंकिंग द स्पेसिफिक रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। तो देखिए URL, आप कुछ भी अगर
कोई चीज़ कॉपी करके भेज, तो मान लीजिए आप इसी वीडियो को अगर शेयर करोगे तो यू आर एल के फॉर्म में जाएगा, है ना। तो फिर जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट उसको ये वाला वीडियो ओपन हो जाएगा, है ना। तो वही हो गया नेविगेटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस के लिए हो सकता है, फाइल को भी एक्सेस करने के लिए, मान लीजिए आप किसी फाइल को ड्राइव में डाल दोगे, उस ड्राइव का लिंक को शेयर करोगे तो कोई आराम से उस फाइल को एक्सेस कर लेगा, है ना। ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह सभी के लिए यू आर एल का यूज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा है नेक्स्ट में कि हाउ इज़ यू आर एल डिफरेंट टू एन आई पी एड्रेस। तो चलो देख लेते हैं यू आर एल कैसे डिफरेंट है आई पी एड्रेस से। तो यू आर एल आराम से लिखिए, ऑफर अ यूज़र फ्रेंडली वे टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस रिसोर्स ऑनलाइन। इट इंक्लूड्स डिटेल लाइक द प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पाथ ऑफ द रिसोर्स, मेकिंग इट इजी फॉर यूज़र टू नेविगेट द वेब, ठीक है। तो यू आर वही चीज़ जो मैं ऊपर लिखा हूँ वही लिखा है कि यूज़र फ्रेंडली वे होता है एक्सेस करने के लिए किसी भी रिसोर्स को ऑनलाइन में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं, वही प्रोटोकॉल यानी HTTPS, डोमेन नेम, YouTube.com, पाथ वगैरह, कहाँ से आया है, कौन सा वीडियो है, कौन सा लिंक है, वो सबको आराम से हम लोगों को ये ईजी कर देता है URL एक्सेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए IP एड्रेस क्या होता है। तो IP एड्रेस एक्ट एज अ नंबरिक लेबल असाइन टू डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, यूनिकली आइडेंटिफाइंग देम फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। IP एड्रेसेस आर यूटिलाइज बाई नेटवर्क प्रोटोकॉल्स टू डायरेक्ट डेटा पैकेट्स टू देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशन। तो IP एड्रेस क्या होता है ना, अब जो भी YouTube.com भी करते हो ना, तो उसका इंटरनेट पे पूरे जो हम लोग का इंटरनेट है, जो समंदर है, उसमें YouTube भी कहीं पे एग्जिस्ट करता होगा, तो उस इंटरनेट पे उसको एक एड्रेस मिला होगा IP एड्रेस, जो पॉइंट में होगा 128 ऐसे पॉइंट 256 ऐसा करके कोई पॉइंट होगा। तो वो क्या होता है IP एड्रेस बताता है उस डोमेन को, उसका एड्रेस को, ठीक है, डोमेन नेम हुआ उसका एड्रेस को, यानी कि YouTube.com का एड्रेस कहाँ है पूरे इंटरनेट पे, वो बताता है IP एड्रेस, ठीक है। ये नंबरिक असाइन होता है, ठीक है, इसमें ये पूरा यूनिक होता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए YouTube को इंटरनेट पे अगर हम लोग को ढूंढना है तो वो IP एड्रेस देना होगा। जैसे आप लैपटॉप जो आप चला रहे हो अभी, ठीक है, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हो, उसका भी एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे अगर वो IP एड्रेस से ही आप मूवी वगैरह में देखते होंगे ना, IP एड्रेस को ट्रेस कर लेता है पुलिस वगैरह, तो वो होता है IP एड्रेस। उस वो आपका सभी ये जो मैं अभी लैपटॉप में जिसमें वीडियो दे रहा हूँ उसमें भी उसका भी एक IP एड्रेस है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सब, ठीक है। हम लोग TCP/IP का बोल दिए, URL क्या होता है, URL कैसे हो, डिफरेंट होता है IP एड्रेस, सबके बारे में बता दिया है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ अ सर्च इंजन, हाउ डज अ सर्च इंजन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब पेजे, ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि इसमें भी देखिए कितना क्वेश्चन है, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वेब पेजेस से, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो रोल ऑफ अ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, तो इसमें क्या होता है, अ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर सर्व्स एज अ गेटवे फॉर यूज़र टू एक्सेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। यानी कि ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, आप लोग को पता है सॉफ्टवेयर हम लोग जो भी यूज़ करते हैं वगैरह, जैसे क्रोम वगैरह हो गया, वो सब भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम लोग डायरेक्ट वेब पेजेस में यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पूरा में www में पूरा ये कर लेते हैं, ठीक है, फॉर यूज़र टू एक्सेस और नेविगेट वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो इट इंटरप्रेट्स एंड डिस्प्ले वेब कॉन्टेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स रिट्राइव फ्रॉम द वेब सर्वर्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ये सॉफ्टवेयर वगैरह में हम लोग को डिस्प्ले करता है कंटेंट को। मान लीजिए एक एग्जांपल ले ले, तो वो जो विकिपीडिया हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें कैसे हम लोगों को उस किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो उसके बारे में बताता है, उसमें वहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा रहता है, वहाँ पे इमेज भी रहता है, वहाँ पे वीडियोस भी रहता है, है ना, और फिर एलिमेंट्स वगैरह भी रहते हैं। तो ये सब हम लोगों को होता है रोल ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का, ठीक है। उसका देखिए ब्राउज़र सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स वेरियस इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज HTTP, HTTPS एंड FTP, इनेबलिंग यूज़र टू एक्सेस वेबसाइट्स, डाउनलोड फाइल्स एंड इंटरेक्ट विथ ऑनलाइन सर्विसेज। तो ब्राउज सॉफ्टवेयर क्या करता है, वही वेरियस चीज़ों को सपोर्ट करता है प्रोटोकॉल, जैसे कि HTTP हो गया, HTTPS हो गया, FTP हो गया। तो ये इससे क्या होता है, यूज़र इनेबल कर पाता है एक्सेस करने के लिए वेबसाइट को, आराम से एक्सेस कर सकता है वेबसाइट से, कोई वीडियो डाउनलोड करना है वो कर सकता है, कोई फाइल डाउनलोड करना है वो कर सकता है, ऑनलाइन सर्विसेज को भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये सब हो गया हम लोग का ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का हिस्सा। इट प्रोवाइड्स फीचर्स लाइक बुकमार्क्स, टैब्स एंड हिस्ट्री टू इनहेंस यूज़र एक्सपीरियंस एंड फैसिलिटेट एफिशिएंट ब्राउजिंग, ठीक है।
जैसे क्रोम का एग्जांपल लिए थे, तो मान लीजिए आप इसमें कोई चीज़ सर्च करते हो, मान लीजिए आपने youtube.com ही सर्च किया, तो आप इसको बुकमार्क करके भी रख सकते हो ताकि आप आराम से बाद में कभी आओ तो आप डायरेक्ट बुकमार्क वाले पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो YouTube खोल के आ जाएगा, आपको बार बार youtube.com लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। आप इसमें हिस्ट्री भी देख सकते हो कि आपने पीछे क्या क्या देखा है, क्या क्या टैब खोला है, कब खोला है, उसमें क्या देखा है, वो सब, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आराम यूज़र को आसानी होती है, चीज़ों को आराम से ढूंढ लेता है, मिल जाता है उसको, ठीक है। तो ये सब हम लोग को यूज़र का एक्सपीरियंस को इन्हेंस करता है और फैसिलिटी देता है, ठीक है। उसके बाद देती है, एडिशनली मॉडर्न ब्राउज़र ऑफ्टन इंक्लूड बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रोटेक्ट यूज़र फ्रॉम मेलवेयर, फिशिंग अटेम्प्ट्स एंड अदर ऑनलाइन थ्रेट्स। तो अभी जो मॉडर्न ब्राउज़र्स आ गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोम का ही ले लीजिए, तो इसमें इनबिल्ट फंक्शन होता है जिससे कि किसी तरह का जो हम लोग जो वायरस वगैरह होता है उससे बचाता है, ठीक है। खुद ही ब्राउज़र हम लोग को बचा लेता है, वो हैक होने से बच जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए उसमें किसी तरह का कोई ऐसा वेबसाइट है जो डेंजर हो सकता है, जो जिसमें वायरस वगैरह हो सकता है, तो वो देखते हो कभी कभी वार्निंग देता है कि भाई ये फाइल, ये चीज़ डेंजरस है, इसको ओपन मत करो, है ना। तो वो सब क्या है, सेफ्टी टूल है जो हम लोग को ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया रोल ऑफ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। उसके बाद पूछा है सर्च इंजन क्या होता है, तो चलिए सर्च इंजन देख लेते हैं। द सर्च इंजन इज़ एन ऑनलाइन टूल दैट अलाउ यूज़र टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। सर्च इंजन आपको पता है, सर्च इंजन सर्च करने के लिए होता है, क्या ऑनलाइन टूल होता है जो यूज़र को अलाउ करता है सर्च करने के लिए इंटरनेट पे। सिंपल, यूज़र एंटर्स कीवर्ड और फ्रेज इनटू द सर्च इंजन इंटरफेस एंड इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ रेलेवेंट वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियोस और अदर कंटेंट मैचिंग द क्वेरी, ठीक है। तो आप जब क्रोम खोलते हो तो वहाँ पे देखते हो एक सर्च का ऑप्शन रहता है, सर्च टैब रहता है, उस पर आप सर्च करते हो कुछ भी, है ना, एप्पल्स। तो आप जब एप्पल्स पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे देखते हो इमेजेस आ जाते हैं आपका, फिर बहुत सारे लिंक आ जाते हैं कि एप्पल का क्या यूज़ होता है, उसको खाने का क्या फ़ायदा होता है, क्या चीज़, वो सब देखते हैं। तो उस तरह से आपने जो भी की वहाँ पे प्रेस किया है उसके हिसाब से आपको वो जो ब्राउज़र ये होता है, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको चीज़ें निकाल के देता है पूरे इंटरनेट से। उसमें क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, सब कुछ निकाल के आपको दे देता है जो आपने पूछा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सर्च इंजन्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम टू रैंक सर्च रिजल्ट्स बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज रेलेवेंस, अथॉरिटी एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो देखिए सर्च इंजन, आप मान लीजिए कोई चीज़ को सर्च कर रहे हो ना, तो उसमें आप वो सर्च इंजन कैसे वर्क करता है ना, कि आपने जो कीवर्ड प्रेस किए हैं उसके हिसाब से ना वो बेस्ट चीज़ ढूंढ के लाता है इंटरनेट पे। आपको तो पता है कि हजार लाखों चीज़ रहते हैं इंटरनेट पे एक ही टॉपिक के बारे में, एप्पल्स के बारे में ही, है ना। यानी कि आप ये भी कर सकते हो कि बेनिफिट्स ऑफ एप्पल, एप्पल खाने के क्या क्या फ़ायदा है, तो आप जब वो सर्च करते हो ना तो वो आप जो वर्ड पर्टिकुलर यूज़ किया हो खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, उन सबको ढूंढ के पूरा सर्च इंजन क्या करता है, बेस्ट कंटेंट ला के आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसको रैंक करता है कि भाई ये ज़्यादा काम का है, ये कम काम का है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर सर्च इंजन इंक्लूडिंग गूगल, बिंज और याहू, है ना। तो गूगल वगैरह, वही क्रोम वगैरह सब, ये हो गया हम लोग का सर्च इंजन, ठीक है। तो देखिए आराम से सर्च इंजन के बारे में बता दिए। आप पूछा हाउ डज सर्च इंजन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब पेजेस। तो देखिए यहाँ पे तो क्या करता है सर्च इंजन, जो हम लोग टाइप करते हैं कोई चीज़, वहाँ जो सर्च बॉक्स रहता है वो कैसे काम करता है। तो देखिए पहला स्टेप होता है क्राउलिंग। तो सर्च इंजन यूज़ ऑटोमेटिक प्रोग्राम कॉल्ड वेब क्राउलर्स और स्पाइडर्स टू सिस्टमेटिकली ब्राउज द वेब एंड डिस्कवर न्यू वेब पेजेस, ठीक है। तो यानी कि आप जो चीज़ सर्च करते हो ना, तो पहले वो क्या करता है, उससे रिलेटेड जितने भी पेजेस होते हैं ना इंटरनेट पे प्रोवाइड, उन सबको क्राउलिंग कर लेता है, खींच लेता है, यानी स्पाइडर की तरह, समझ रहे हो ना, इसे सब जितना भी पेजेस को होता है पहले वो क्राउलिंग कर लेता है, ठीक है। उसके बाद होता है इंडेक्सिंग। तो वंस वेब पेजेस आर डिस्कवर्ड, सर्च इंजन्स इंडेक्स देम बाय एनालाइजिंग देयर कंटेंट, कीवर्ड्स, मेटा टैग्स एंड अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब जैसे ही आप जो चीज़ आपने सर्च किया है उसके हिसाब से जितना भी इंटरनेट पे वेब पेजेस था, पहले क्राउलिंग करके उन सबको ले आया अपने पास, अब क्या करेगा, उसको इंडेक्स करेगा, यानी कि इंडेक्सिंग करेगा कि भाई कौन सा, किसका कंटेंट ज़्यादा बेहतर है, किस में अच्छे से समझाया गया है, आपने जो वर्ड यूज़ किया है उसके हिसाब से कौन सा वेब पेजेस ज़्यादा शूट करेगा, तो उसके हिसाब से कीवर्ड वगैरह देखने लिखा है, एनालाइजिंग देयर कंटेंट, कीवर्ड्स, टैग्स वगैरह सबका और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या क्या चीज़ दिया, उन सबको देख के मद्देनज़र रखते हुए इंडेक्स कर देगा सबको। उसके बाद क्या होगा, रैंकिंग। सर्च इंजन्स एवेल्युएट एंड रैंक इंडेक्स
पेज बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक रिलेवेंस, अथॉरिटी, वही पॉपुलरिटी और यूज़र एक्सपीरियंस। उसके बाद जब इंडेक्सिंग हो गया उसके बाद उसको रैंक कर देगा, यानी कि भाई फर्स्ट पे ये है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका सब कुछ सही है, अथॉरिटी सही है, ये पॉपुलर भी ज़्यादा हुआ है। मान लीजिए आप कोई ब्लॉग सर्च किए हो तो जो ज़्यादा फेमस होगा वो आपको सबसे पहले दिखाएगा, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है, उसको शायद वो बहुत अच्छे से लिखा होगा, इसलिए तो उसके हिसाब से रैंकिंग हो जाता है। उसके बाद होता है कंटिन्यूस अपडेटिंग, तो सर्च इंजन कंटिन्यूस अपडेट देयर इंडेक्स एंड रिफ्लेक्ट चेंजेस इन वेब कॉन्टेंट इंश्योरिंग सर्च रिजल्ट रिमेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट। ठीक है, तो ये हमेशा अप टू डेट रहते रहता है। ठीक है, सर्च इंजन हमेशा खुद को अपडेट करते रहता है। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ सर्च किया है, अब कुछ वक्त के बाद आप वापस सर्च करोगे तो हो सकता है आपको दूसरा चीज़ें दिखाए, है ना, वेब पेजेस दूसरे दिखाए। ठीक है, हो सकता है आपने कीवर्ड अलग लिखा होगा तो उसके हिसाब से जो बेहतर है वो आ गया होगा, या फिर आपने सेम भी लिखा होगा तो आप वक्त के साथ मान लीजिए कुछ चीज़ें चेंज हो गया, अगर फैक्टर चेंज हो गए होंगे तो उस हिसाब से वो हमेशा खुद को अपडेट करते रहता है। ये नहीं कि एक बार इंडेक्सिंग कर दिया तो छोड़ दिया, आप हमेशा वही रहेगा, नहीं, हमेशा चेंज करता है, हमेशा अपडेट होते रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मॉनिटरिंग, सर्च इंजन्स मॉनिटर यूज़र बिहेवियर फीडबैक एंड एंगेजमेंट विथ सर्च रिजल्ट्स टू इम्प्रूव द रेलेवेंस एंड क्वालिटी ऑफ देयर सर्च एल्गोरिदम्स। ठीक है, और इसके बाद ये मॉनिटर भी करते रहता है जैसे चीज़ों को, जैसे कि यूज़र को आप किस तरह का चीज़ों को सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसी तरह से कभी कभी देखते हैं ना वहाँ पे नीचे आपको दिखाते रहता है ब्लॉग्स वगैरह कि आप मान लीजिए कुछ सर्च करो तो उसी के हिसाब से करता है। जैसे आप मान लीजिए मूवी के बारे में कर रहे हो, बार बार मूवी सर्च कर रहे हो तो देखते नीचे आपको मूवी रिलेटेड चीज़ें आ जाती है, आर्टिकल वगैरह। ठीक है, तो वही होता है, मॉनिटर करता है यूज़र का बिहेवियर को, फीडबैक को, है ना, इंगेजमेंट को, तो यानी कि आप क्या ज़्यादा सर्च करो उस हिसाब से आपको चीज़ें वो मॉनिटर करके वो आपको सजेस्ट करता है, जिससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सर्च इंजन का काम। देखिए इसमें एकदम मैंने अच्छे से बता दिया है कि ब्राउज़र सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर सर्च इंजन क्या होता है, फिर कैसे सर्च इंजन वेब पेजेस से डेटा कलेक्ट करता है, पहले क्रॉलिंग किया, फिर इंडेक्सिंग किया, फिर रैंकिंग किया, फिर अपडेट करते रहता है, फिर मॉनिटरिंग करते रहता है, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का ये क्वेश्चन सी नंबर। ठीक है, अब चलिए इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर का डी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ विकी, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ विकी। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए विकी, ये विकीपीडिया जो हम लोग यूज़ करते हैं ना उसी का है विकी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विकी, कोलेबोरेशन, तो विकीज एनेबल्स मल्टीपल यूजर टू कोलेबोरेट और एडिटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू कॉन्टेंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो विकी क्या होता है ना, विकीपीडिया विकी का ही हिस्सा है। ठीक है, तो विकी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें विकीपीडिया है। तो विकी में क्या होता है ना, बहुत सारे यूज़र, मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं उसमें, आप आराम से चीज़ों को उसमें एडिट कर सकते हो, आपको कुछ नया चीज़ देना है तो आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, तो ये होता है कोलेबोरेशन। ठीक है, उसके बाद होता है वर्जन हिस्ट्री, दे मेंटेन एंड अ रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस मेड टू पेजेस अलाउइंग यूज़र टू व्यू प्रीवियस वर्जन एंड रिवर्ट इफ नेसेसरी। इसमें वर्जन्स भी होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है हर चीज़ें अपडेट होते रहती है वक्त के साथ, तो विकी में वर्जन हिस्ट्री भी होता है, जैसे कि मान लीजिए 6. अभी कोई वर्जन चल रहा है वो है 6.0, इससे पहले 5. था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये वर्जन में आपको चीज़ें चेंज हो गया है, फ़ोटोज़ यहाँ पे आ चुके हैं, कोई चीज़ सर्च करने वाला था वो लेफ़्ट साइड आ गया है, पहले राइट में था, तो उस तरह से आप वर्जन देख सकते हो कि फिफ्थ में क्या था। तो इस तरह से आपको मान लीजिए 6 वाला पसंद है तो वापस आप वर्जन में पीछे जा सकते हो, फिफ्थ वाले को आराम से चला सकते हो, तो वो होता है वर्जन हिस्ट्री। उसके बाद होता है हाइपर लिंक्ड स्ट्रक्चर, तो कॉन्टेंट इज़ इंटरकनेक्टेड थ्रू हाइपर लिंक्स फैसिलिटिंग ईजी नेविगेशन बिटवीन रिलेटेड टॉपिक्स। देखिए आप मान लीजिए कोई भी चीज़ सर्च करते हो, ठीक है, आप आइंस्टाइन के बारे में सर्च करोगे तो उसमें आपको उनके बारे में बताया रहेगा, फिर कोई कोई टेक्स्ट रहेगा जिसमें हाइपर लिंक रहेगा, यानी कि आप उस पर क्लिक कर दोगे, है ना, तो आपको अलग पेज पर लेकर चल जाएगा जो उस चीज़ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हाइपर लिंक होता है। आप कभी चलाए होंगे, कभी ना कभी विकी तो खोले होंगे, विकीपीडिया, किसी के बारे में भी सर्च करने के लिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हो अक्षय कुमार के बारे में, हीरो के बारे में, ठीक है, तो आप अक्षय कुमार के बारे में कर रहे होंगे तो जब उनकी वाइफ का वो कॉलम आएगा तो वहाँ पे आपको उनकी वाइफ का नाम रहेगा, तो वो हो सकता है हाइपर लिंक पे रहेगा, तो आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आप वो उनकी वाइफ वाले पेज पे चले जाओगे जहाँ पे वाइफ का सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, समझे। तो इस तरह से हाइपर लिंक पे रहता है, जैसे कि ईजी नेविगेट कर सकते हैं हम लोग टॉपिक के बारे में, ठीक है, रिलेटेड टॉपिक के बारे में। उसके बाद होता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट, ठीक है, तो विकी इज़ रियली ऑन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूजर्स अलाउइंग एनीवन टू ऐड, एडिट और अपडेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे यूज़र ही जो वैल्यू डालता है वो सब यूज़र के ही ऊपर होता है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि विकीपीडिया पे किसी ने अंडबट करके कुछ भी लिख दिया है किसी के बारे में भी, तो वो सब होता है कि
क्योंकि ये पूरा प्लेटफॉर्म है सभी लोगों के लिए, तो वहाँ पे कुछ भी लोग एडिट वगैरह कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। उसके बाद है ओपन एक्सेस, मैनी विकीज आर पब्लिकली एक्सेसिबल प्रमोटिंग वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। तो इसमें ओपन एक्सेस भी होता है, बहुत सारा पब्लिकली रहता है, यहाँ पर आराम से आप सभी लोग आ जाते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अपना नॉलेज दे सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग, तो विकीज ऑफर स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग ऑप्शन फॉर टेक्स्ट इमेज टेबल्स एंड मल्टी मीडिया कॉन्टेंट, यानी कि आप इसमें फॉर्मेट वगैरह भी कर सकते हो, इमेज डाल सकते हो, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट डाल दिए, इमेजेस डाल सकते हो, टेबल डाल सकते हो, अलग अलग तरह का चीज़ों को आप इसमें फॉर्मेट कर सकते हो। फिर है सर्च फंक्शनलिटी, दे इंक्लूड सर्च फीचर्स टू हेल्प यूज़र क्विकली लोकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विद इन द विकी, यानी कि इसमें सर्च का भी वो पेज के अंदर भी सर्च करेगा। मान लीजिए आपको फिर से वही कि आपको स्पेशली अक्षय कुमार वाले पेज में उनके बेटे का नाम को ये सर्च करना है, तो आप सन सर्च करोगे तो वहाँ पे हो सकता है, जहाँ जब भी सन वर्ड होगा आप डायरेक्ट वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे, फिर वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो चुका है, देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा बता दिया है, लेकिन आपको इतना लिखना नहीं, आप दो तीन लिखोगे काफ़ी है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको विकी के बारे में भी बताना है, कैरेक्टरिस्टिक और फिर एडवांटेज भी बताना है, तो आप इसमें मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक 3-4 लिख दिए, उसके बाद एडवांटेज बता दिए 2-3, तो आराम से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, पूरा मैक्स जो है 10 मार्क्स का भी आएगा तो भी आप ही पूरा लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा इस तरह से। उसका देखें एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ विकी, तो इसमें क्या होता है कोलैबोरेशन, विकीज ना वही फोस्टर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क एनेबलिंग यूजर टू वर्क टुगेदर ऑन कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग, वही कोलैबोरेशन बहुत सारे लोग मिलके इसमें काम कर सकते हैं, तो वो हो गया। उसके बाद होता है नॉलेज शेयरिंग, बस वही नॉलेज शेयर करता है, दे फैसिलिटीज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अमंग यूजर क्रिएटिंग अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी एंड कलेक्टिव नॉलेज, वही एडवांटेज भी कैरेक्टरिस्टिक ही है कि यहाँ पे आराम से नॉलेज शेयर होता है, लोग यहाँ पे आते हैं कि चीज़ों के बारे में पता करते हैं, ज्ञान प्राप्त करके जाते हैं। उसके बाद होता है एक्सेसिबिलिटी, तो विकीज आर एक्सेसिबल फॉर एवरी वन विद द इंटरनेट कनेक्शन अलाउइंग यूज़र टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन रिमोटली, यहाँ पे कोई भी आके विकीपीडिया हमें कोई भी सर्च कर लेते हैं, कुछ भी करेंगे आराम से विकीपीडिया को देख सकते हैं, वहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं, सबके लिए एक्सेसिबल है। उसके बाद होता है वर्जन कंट्रोल, वही वर्जन कर लेता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो यूजिंग अ विकी कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू, तो वही है कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मान लीजिए आप कोई चीज़ के बारे में बाहर जाओगे ट्यूशन लोगे तो उससे अच्छा है आप आराम से आए विकीपीडिया पे सर्च किए सब पढ़ लिए जान लिए, तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कम्युनिटी बिल्डिंग, विकी फॉस्टर सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग यूजर इंक्रेजिंग इंट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन एंड फीडबैक, तो इससे क्या होता है कम्युनिटी भी बन जाता है, जब बहुत सारे लोग काम करते हैं एक चीज़ों पर तो लोगों के बीच बातचीत होता है, जिससे क्या होता है कम्युनिटी बन जाता है, लोगों का समूह बन जाता है बात बात करने के लिए। तो यही था इसका एडवांटेजेस, ये भी मैंने बहुत सारा बताया, आप आराम से 2-3 लिख सकते हो, ये भी 2-3 लिख सकते हो, काफ़ी है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का डी, ठीक है। इसमें मैंने इस पूरे वीडियो में मैंने 4 का ABCD पूरा बता दिया है, तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। ये PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसका बाकी PDF को भी ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।